इस वक्त मेरे साथ पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब है। सुक्खू साहब, आप बाल मेला में आए हैं, इससे पहले भी आप आते रहे हैं, इस तरीके के आयोजन को कैसे देखते हैं आप? बाली जी ने 17 साल पहले एक फैसला किया कि मैं अपना जो जन्म दिवस है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बाल दिवस के रूप में मनाऊंगा। जो बच्चे हैं वो उसमें सब प्रकार की बच्चों से संबंधित जो गतिविधियाँ होती है, चाहे ऊँट की सवारी है, चाहे हाथी की सवारी है, और जो मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, उसमें जो भारत के अच्छे डॉक्टर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, उनको मैं लाऊंगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज 17 वर्ष से लगातार ये बाल दिवस के रूप में बाली जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और हमें इस जन्मदिवस में और प्रदेश के कई नेताओं को इस जन्मदिवस में आने का बहुत अच्छा मौका, शुभ अवसर मिलता है। इस आयोजन को कैसे आप अलग देखते हैं, यूनिक कैसे मानते हैं? देखिए, एक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन को सेवा भाव में अपने आप को प्रस्तुत करता है। बाली जी ने भी अपने जीवन को नगरोटा बगवाड़ प्रदेश की राजनीति के लिए प्रस्तुत किया। मुझे बड़ी खुशी है कि ये हम सोचें कि कितना पैसा खर्च आएगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, उन सब बातों से ऊपर उठकर भी जो कुछ उनके पास अपनी जेब में होता है उसको दिल खोल कर खर्च करते हैं, उनकी दरिया दिली पूरा प्रदेश जाता है। आयोजन 17 सालों से हो रहा है और बड़ी सफलतापूर्वक हो रहा है। आज भी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पर एक छोटा से बड़ा जो नगरोटा भगवान का जो युवा है, महिलाएं हैं, लगी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जेस बाली जी को मिलता है इससे? बिल्कुल मिलता है। जेस बाली जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि कितने मजे ऐसे लोग हैं जिनको मैं स्वस्थ सुविधाएं दे रहा हूँ। खुश होकर उनके मन में एक प्रसन्नता तो जरूर आती होगी कि आज कम से कम 1,000, 2,000, 3,000 लोगों को स्वस्थ सुविधाएं मिली, बच्चे खुश होकर भी निश्चित तौर पर व्यक्ति मन ही मन में प्रसन्न होता है कि चलो आज मैंने कुछ तो अच्छा शुभ कार्य अपने जीवन में करने का जो ठानी थी वो आज 20वें 17वें साल में प्रवेश कर गया। सुखू जी, आखिरी सवाल, आप एक राजनेता के तौर पर बड़ी लंबी पारी आपने खेली, अभी भी आप सक्रिय हैं, आप देश भर में घूमे होंगे, ये जो बाल मेला नगरोटा बगवां कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है हिमाचल प्रदेश में, ये अपने आप में यूनिक और इस तरीके के आयोजन बहुत कम देश भर में होते होंगे? ये बहुत कम प्रदेश में तो मेरे ख्याल एक ही आयोजन नजर आता है जो बाली जी की जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में होता है, बाकी तो मुझे नजर नहीं आते, ये तो मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऐसे आयोजनों की सराहना करते हैं, मानते हैं कि ऐसे आयोजन और ज़्यादा होने चाहिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ धर्मराज सिंह, समाचार।